द वर्कमैन ऑफ फायर स्टोन टायर्स एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज द मैनेजमेंट। ये केस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 11A पर बेस्ड है। सेक्शन 11A बात करता है लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल्स, नेशनल ट्रिब्यूनल्स की पावर्स की, कि वो अप्रोप्रिएट रिलीफ ग्रांट कर सकते हैं किसी भी वर्कमैन को जिसको डिस्चार्ज या डिसमिसल कर दिया गया हो उसके एम्प्लॉयर के द्वारा। सेक्शन 11A 15 दिसंबर 1971 को यानी 15 दिसंबर 1971 को फोर्स में आया था। केस के फैक्ट्स की हम बात करें तो इस केस में कुछ वर्कर्स मिसबिहेव करते हैं तो मैनेजमेंट उन पर डोमेस्टिक इंक्वायरी बैठाती है। डोमेस्टिक इंक्वायरी के बाद उन वर्कर्स को डिसमिस कर दिया जाता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और उस डिस्प्यूट को गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में रेफर कर देती है। दोस्तों, जब ये डिस्प्यूट पेंडिंग पड़ा होता है उसी दौरान सेक्शन 11A इंट्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। सेक्शन 11A फोर्स में आ जाता है। देन पार्टीज अपनी कंटेंशन रखती है। मैनेजमेंट ये कहती है कि सेक्शन 11A इस डिस्प्यूट पर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 11A का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। और वहीं दूसरी ओर वर्कर्स ये कहते हैं कि सेक्शन 11A का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, इसलिए वो हमारी इस डिस्प्यूट पर अप्लाई होगा। देन ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन सुनाती है। अपना डिसीजन वो दोनों पार्टीज के एविडेंसेस के बेसिस पर सुनाती है। ट्रिब्यूनल्स यहाँ पर वर्कर्स को गिल्टी मानती है। देन वर्कर्स अपील कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में और केस में इश्यूज जो अराइज होते हैं कि सेक्शन 11A की प्रॉपर इंटरप्रिटेशन क्या है और सेक्शन 11A का कैसा इफेक्ट है, क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मतलब सेक्शन 11A क्या 15 दिसंबर 1971 के पहले के केसेस पर भी अप्लाई होगा या फिर सिर्फ उसके बाद के केसेस पर अप्लाई होगा। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल के डिसीजन से एग्री करती है और सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है लीगल पोजिशन जो सेक्शन 11A की इनेक्टमेंट से पहले थी, मतलब 15 दिसंबर 1971 से पहले क्या पोजिशन थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है। पहले जो लीगल पोजीशन थी उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लेना और पनिशमेंट को डिसाइड करना ये मैनेजीरियल फंक्शंस थे, यानी मैनेजमेंट करती थी ये काम जब तक कि वो डिस्प्यूट को ट्रिब्यूनल में रेफर ना कर दिया जाए। और डिसिप्लिनरी इंक्वायरी जो है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है कि अगर एम्प्लॉयर ने प्रॉपर इंक्वायरी की है और उसने वर्कर को गिल्टी माना है तो इस केस में ट्रिब्यूनल के पास कोई राइट नहीं है कि वो इंटरफेयर कर सके। लेकिन हाँ, इसकी एक्सेप्शन है विक्टिमाइजेशन और हार्श पनिशमेंट, सिर्फ इन्हीं केसेस में ट्रिब्यूनल इंटरफेयर कर सकता था। और ट्रिब्यूनल जो है अपॉर्चुनिटी देगा पार्टीज को कि पार्टीज एविडेंसेस पेश करें ट्रिब्यूनल के सामने, ट्रिब्यूनल मना नहीं कर सकता इस बात से। और अगर कोई डिफेक्टिव इंक्वायरी होती है तो उस केस में भी ट्रिब्यूनल जो है डायरेक्टली ऑर्डर नहीं दे सकता रीइंस्टेटमेंट के, मतलब अगर डिफेक्टिव इंक्वायरी हुई है तो ट्रिब्यूनल डायरेक्टली ही वर्कर को वापस काम पर रखने के ऑर्डर्स नहीं दे सकता। तो सेक्शन 11A आने से पहले जो लीगल पोजीशन थी उसमें एम्प्लॉयर की जो सेटिस्फेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। देन सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है सेक्शन 11A आने के बाद की लीगल पोजीशन को, यानी 15 दिसंबर 1971 के बाद की लीगल पोजीशन को। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सेक्शन 11A तभी अप्लाई होगा जब वो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में रेफर की जाएगी और ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करेगा उस डिस्प्यूट को। और यहाँ पे ट्रिब्यूनल की सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट है, एम्प्लॉयर की सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। इंक्वायरी कंडक्ट की गई हो या ना कंडक्ट की गई हो या फिर इंक्वायरी डिफेक्टिव भी क्यों ना हो, दोनों पार्टीज को अपने अपने एविडेंसेस ट्रिब्यूनल के सामने पेश करने होंगे। ट्रिब्यूनल एविडेंसेस और मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड के बेसिस पर उस डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा। मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड से यहाँ पर मतलब है कि वो मटेरियल, वो एविडेंसेस जो डोमेस्टिक इंक्वायरी में यूज किए गए थे, और अगर कोई फर्दर एविडेंसेस हैं जिन पर डोमेस्टिक इंक्वायरी बेस्ड थी वो फर्दर एविडेंसेस, और इसके साथ साथ वो मटेरियल जो कि ट्रिब्यूनल में फर्स्ट टाइम पेश किया गया हो, तो मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड में ये सब चीज़ें आती हैं। और दोस्तों, सेक्शन 11A का प्रोवाइजो हमें यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। सेक्शन 11A का प्रोवाइजो ट्रिब्यूनल को रेस्ट्रिक्ट करता है, मना करता है कि ट्रिब्यूनल डिमांड नहीं कर सकती फ्रेश एविडेंसेस की। देन सुप्रीम कोर्ट इस केस के सेकंड इशू पर अपना डिसीजन सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है सेक्शन 11A को। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सेक्शन 11A जो है वो एम्प्लॉयर के राइट्स को कम करता है और ट्रिब्यूनल को पावर देता है, इसीलिए सेक्शन 11A में क्लियरली ये मेंशन होना ज़रूरी है कि इसका इफेक्ट कैसा रहेगा, रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा या फिर प्रोस्पेक्टिव रहेगा। लेकिन एक्ट में कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि सेक्शन 11A का कैसा इफेक्ट रहेगा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेक्शन 11A का इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव रहेगा, मतलब ये 15 दिसंबर 1971 के बाद के केसेस पर अप्लाई होगा।